हनुमान सिंह सर, इनके कॉन्ट्रैक्ट रेडी कराओ भाई, और इनसे कहो कि कल से काम शुरू कर दे अपना। कांग्रेचुलेशन बबीता जी। जी कांग्रेचुलेशन मिनी। थैंक यू। गुड। हनुमान सिंह प्लेट देना सर। हाँ 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 सर। आ जाओ भाई, सबके सब आ जाओ भाई, खा लो फटाफट। सर एज पर द कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर इनको सर लंच जो है वो प्रोवाइड कराना होगा, और जो पुलिसकर्मी हैं जो लोग रात में ड्यूटी करते हैं तो उनके लिए वहाँ पर डिनर की सुविधा पूरी रहेगी, वो लोग ये पहुँचवाएंगे। दूसरी चीज़ का आपको जो ख्याल रखना है वो ये है कि खाना जो है वो पौष्टिक होना चाहिए, प्लस आपको साफ सफाई का स्पेशल ख्याल रखना है, प्लस हर डब्बे के ऊपर एक स्टिकर लिखा रहेगा जिसपे उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू, किसमें कितने पौष्टिक तत्व हैं, कितनी कैलोरीज हैं, वो सबका पूरा उसमें लिखा जोखा रहेगा। राइट सर? ठीक है। इतने टेक्निकल वर्ड से आप परेशान मत होइए। देखिए जैसा खाना आपने आज बनाया था बस वही क्वालिटी मेंटेन कीजिए, बाकी सब ठीक है। जी सर। हाँ वैसे बबीता जी, आपसे एक बात पूछूं? जी सर पूछिए। वो बबीता जी, आज टिफिन में जो गाजर का हलवा बनाया था आपने, बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसकी अगर रेसिपी दे दें आप तो मैं अपनी वाइफ से बिल्कुल वैसे ही गाजर का हलवा बनवाना चाहता हूँ। हाँ सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी आपको रेसिपी बता देती हूँ। बेब्स, ये हमारा ट्रेड बिजनेस है, तू मुफ्त का बेच रही, क्या कर रही है? सर मैं क्या बोल रही थी, बिकॉज यू नो मेरी बेब्स तो काफी डिशेस बनाती हैं, बहुत लाजवाब टेस्टी, आप मजा आ जाएगा आपको खाकर, है ना? तो आप किस किस की रेसिपी लोगे ना? सो आप एक डब्बा क्यों नहीं लगवा लेते, मतलब फिर आप खाते रहिएगा, कभी गाजर का हलवा, है ना बेब्स, कभी मूंग दाल का हलवा, कभी लड्डू, कभी बर्फी, बहुत कुछ है। हनुमान सिंह, लड़की को ज्यादा ही तेज है, बिजनेस माइंडेड है, देखो कैसे देखते ही देखते अपना एक कस्टमर बढ़ा लिया है। माँ का टैलेंट और बेटी का बिजनेस का तेज दिमाग,
आप दोनों मिलके बहुत ऊपर तक जाएंगे। वैसे आप दोनों की इस जोड़ी को क्या कह के बुलाया जाए, मतलब नाम क्या रखा है आपने? पटियाला बेब्स। पटियाला बेब्स, हनुमान सिंह सर, ये वही है ना जिनके लिए तुम अपनी नौकरी छोड़ने को तैयार हो गए थे? गुड, एक्सलेंट। आई एम प्राउड ऑफ यू। बबीता, ये तावीज बांध ले, पीर बाबा की मजार से लेकर आई हूं तेरे लिए। अल्लाह खैर करे, चेहरे तो देखो कैसे दमक रहे हैं दोनों के। हाँ, और क्यों ना हो, अरे किला फतेह जो करके आई हो, हाँ कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है और अब तुम लोग अपना कारोबार शुरू कर सकोगी। हाँ, I know right, पटियाला बेब्स केटरिंग सर्विस। अच्छा एक सेकंड बेब्स, मैंने ना पूरी लिस्ट बना ली है कि हमें क्या क्या लेना है, मतलब केटरिंग सर्विस स्टार्ट करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें टिफिन बॉक्सेस चाहिए, ऑब्वियसली कम से कम 12 तो चाहिए होंगे। ऑल राइट, फिर हमें चाहिए बड़े बर्तन, मतलब बड़े जो भी पतीले मतलब मुझे चाहिए होता है वो, और एक गैस कलेक्शन भी चाहिए होगा बिकॉज इतने सारे लोगों का एक साथ खाना बनाना है तो वो तो हमें रिक्वायर्ड होगा। अरे तो खड़ी खड़ी बातें क्या बना रही है, मर जानी है, जा अपनी माँ के साथ जल्दी जा और बाजार से जो जो सामान चाहिए लेके आ। हाँ ठीक है, चला जा बेब्स, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हुआ? हुआ? अरे भैया आजा, ये यहीं रख दो, ले आओ इसे आराम से। कुछ सामान तो हम ले ही आए हैं। नहीं भी, मेरी ननंद है लवली। आइए पहले आप अंदर आइए, बैठिए। आइए सुखी जी। ये लीजिए। हाँ भैया वहीं रख दो, वहां टेबल पर रख दो। कुछ चाय वगैरह बनाऊं? नहीं नहीं भाभी, आप बैठिए ना। आजा। पर आप लोगों को इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? हाँ लवली, इसमें तकलीफ की क्या बात है भाभी, ये तो गुड लक है और हमारी ओर से शगुन। पर कितना खर्चा हुआ होगा ना? ओहो भाभी, इसमें खर्चे की क्या बात है, वैसे भी हमें आपके अभी 2.5 लाख रुपए और देने हैं, तो उसी में से समझ लीजिए, ठीक है? भाभी ये खुराना इंटरप्राइजेस के शेयर बेचने के कागजात हैं, आप प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए ताकि सुखी जी भाई साहब की कंपनी में लीगली पार्टनर बन जाए। लवली जी, मुझे आपकी ये जिद जो है ना वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। आएगी भी नहीं सुखी जी। बाय गॉड सुखी जी, आप इतने सीधे कैसे हो? आप क्यों नहीं समझते कि आप लवली के हस्बैंड हो, इस घर के दामाद हो, और मैं नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड मेरे भाई की कंपनी में एक नौकर बनकर आए, अगर होंगे तो सिर्फ पार्टनर ही, समझे? अरे ये सब कहां से आ गया? अशोक भाई साहब आपके बड़े भाई साहब हैं, मेरे साले साहब हैं, और ये नौकर मालिक ये कहां से आ गया? देखिए लवली जी, वो चाहे जैसे भी हो, है तो हमारे अपने ही ना। परेशान मत हो, ले। दीदी, जब मेरी बहन बोलती थी ना सबको कि ये मेरी बहन है तो मुझे फक्र होता था, पर अब शर्म आती है मुझे।
सुखी जी, कभी कभी रिश्ते ऐसे करवट बदलते हैं ना कि अपने भी पराए हो जाते हैं। लवली ठीक कह रही है, मैंने देखा है आपको हमेशा कितनी ईमानदारी से और मेहनत से आपने अपना बिजनेस किया, पर शायद किस्मत ने कभी आपका साथ नहीं दिया और हो सकता है शायद आपके अंदर वो चालाकियां नहीं है जो बिजनेस चलाने में चाहिए होती हैं। हाँ यार सुखी फूफा जी, ये दे। हाँ अगर आप इतना हार्ड वर्क कर ही रहे हो पुराने एंटरप्राइजेस के लिए तो आपको आपका शेयर मिलना चाहिए यार, आपका हक है। मैं तो एग्री करती हूँ बेब से भी और मैं लवली बुआ की भी सपोर्ट में हूँ। लवली बुआ की कसम? तो फिर मेरी कसम खाने लगी? ओ, क्या करूँ यार, लवली बुआ पुरानी आदतें छूटती नहीं है। इस बार जेन्युइनली ठीक है, अगर आप सब कह रहे हैं तो सब सही होगा, पर एक बात तय है कि इस पार्टनरशिप के चक्कर में हमारे और भाई साहब के रिलेशनशिप में काफी फर्क पड़ेगा और उन्हें बुरा तो जरूर लगेगा। हाय हाय, भाई साहब क्यों बुरा मानेंगे, वो तो हमारी फैमिली के है ना। हाँ मैं मीता का कुछ नहीं कह सकती, वो बाहर की है ना, लंदन में पली बड़ी है, उसे क्या पता फैमिली वैल्यूज। एक बात बताऊं मैं आपको, बबीता भाभी बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है। एक ड्रेस क्या शेयर कर ली, उसका तो मुंह ही चढ़ गया। हाँ, ड्रेस तो शेयर कर नहीं सकती, बिजनेस क्या खाक शेयर करेगी। तुम भी ना कमाल करती हो, बिना सोचे समझे तुमने बबीता को पार्टनर बना लिया। उसका हक था अशोक। कोई हक नहीं उसका, अरे ये बिजनेस मैंने और तुमने सालों की मेहनत से खड़ा किया है और देखो सुखी और लवली भी इसमें पार्टनर बनेंगे। वाह, एक तो पहले उनका खर्चा उठाओ, उसके बाद जब बिजनेस स्टार्ट करो तो उनको बिजनेस में पार्टनर बनाओ, ये अच्छा है। अरे दमाद होने का अच्छा फायदा उठा रही है सुखी। जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो ना, तुम्हारी सिस्टर के हस्बैंड है वो, इस फैमिली अशोक। नहीं मीता, वो हमारी फैमिली नहीं है, वो खुराना नहीं है, हमारी फैमिली में सिर्फ हम हैं, बीजी पापा जी मैं और शादी के बाद तुम। वो दमाद जरूर है लेकिन हमारी फैमिली नहीं है, समझी? तुम समझती क्यों नहीं हो मीता, हमने इतनी मेहनत से पाई पाई जोड़ के ये बिजनेस किसने खड़ा किया, अपनी फैमिली के लिए ना। अब कल को अगर सुखी की फैमिली वाले इसमें से पैसा मांगेंगे तो फैमिली बिजनेस फैमिली में ही रहना चाहिए। How amusing. सुखी जी इतने सालों से इस घर में रह रहे पर तुम्हारे लिए अब तक वो फैमिली नहीं बन पाए। वाह, कल को तुम्हारा क्या भरोसा, तुम मेरे लिए भी ये बोल दो, कोई भी रीजन निकाल दो और बोलो कि मीता तुम भी फैमिली नहीं हो, आफ्टर ऑल आई एम आल्सो नॉट खुराना ना। मीता छोटी सी बात, कम ऑन अशोक, क्या वैल्यू मेरी इस घर में तुम्हारी फैमिली में, अकॉर्डिंग टू यू तो तुम तो यही चाहोगे ना कि मैं भी बबीता की तरह इस घर में सेवा एक्सेट्रा करूं बिना किसी हक के, राइट? मीता छोटी सी बात का ना पतंगड़ मत बनाओ। कमाल है, अब तुम बात ही ऐसी करते हो तो मैं क्या करूं। अच्छा एक बात बताओ, मिस्टर वालिया भी तो फैमिली नहीं है ना, पर वो भी तुम्हारे बिजनेस पार्टनर है ना। मिस्टर वालिया ने इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट लवली और सुखी जी ने भी किया है अशोक। ये बात बहुत सीरियस है, केस बहुत ज्यादा संजीदा है, वर्षों से पड़ोसी मुल्क से हमारे देश में ये घातक ड्रग्स आ जाती है और उसके बाद जगह जगह स्मगल हो जाती है। आज आने वाली नस्लें जो हैं इसके प्रभाव के अंदर इतनी ज्यादा बिगड़ती जा रही है, बर्बाद होती जा रही है, जिसकी कोई भैया तो नहीं है। आप ये समझिए कि भाई बड़े से बड़ा कॉलेज, शहर हो, गांव हो, यूनिवर्सिटी हो, विश्वविद्यालय हो, सब जगह ये घातक ड्रग्स ने अपना असर फैला रखा है और सब के सब बर्बाद हो रहे हैं इसमें। ड्रग्स पे रोकथाम करना ना सिर्फ हम पुलिस वालों का काम है बल्कि हर एक नागरिक का काम है, तो हम तो पुलिस वाले हैं, ड्यूटी बनती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। Yes, sir. देखो आप सुबह सुबह भाई कॉल आया, वायरलेस पे सब जगह खबर हो गई कि भाई इस तरीके से बहुत बड़ा कंसाइनमेंट जिसमें घातक ड्रग्स है उसका कंसाइनमेंट आ रहा है अमृतसर से चंडीगढ़। अब हम तो भाई बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि ये जिम्मा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पटियाला पुलिस को मिली। ईब समय आ गया है जब आपको अपना टैलेंट दिखाना है, अपनी बहादुरी दिखानी है, अपने थाने का नाम रोशन करना है। निगाहें रहेंगी चौकन्नी और समझ रहेगी पहनी। निगाहें रहेंगी चौकन्नी, समझ पहनी। तैयार हो? Yes, sir. तैयार रहना पड़ेगा, आप सबको अपने लक्ष्य को भेदना है।
और फतेह पानी है। क्या आप तैयार हैं? यस सर। कोई शक सुबह? नो सर। जय हिंद। जय हिंद। अरे बाप रे, इधर पुलिस क्यों इतनी? ये बैरिकेड्स क्यों लगा? पता नहीं मिनी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। अरे कोई चोर डाकू भाग गया होगा, उसी को पकड़ने आए होंगे यहाँ। अरे अल्लाह की गाज गिरे, ये नामुराद तो हमारी ओर ही आ रहा है। आप लोग के सामान की तलाशी लेनी है, चलिए नीचे उतरिए। अरे हमारे सामान में तुझे कौन से हीरे मोती मिलने वाले हैं? जा जाके किसी चोर को पकड़। तलाशी तो लेनी पड़ेगी ना। नहीं देती, क्या कर लेगा। अरे नेम्बी, क्यों इतनी बहस कर रही हैं आप? अरे अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप ले लीजिए तलाशी। देख लेना दादी अम्मा, कहीं आपकी धनिया मिर्ची ना पार ले जाए। तू भी हाँ? आप जा सकते हैं। हाँ, तेरे ही हुक्म का तो इंतजार कर रहे थे। अरे अब नहीं भी क्या, तेरी मर्जी से जाएगी। नहीं भी आप भी ना, किसी से भी लड़ने झगड़ने लग जाती है। चलिए अब घर चलते हैं। अरे ये तेरी बेटी ना हर वक्त दांत नहीं पोड़ती रहती है बबीता, इसको कुछ शऊर सिखा। तू तो ठहरी अल्लाह मियाँ की गाय, लेकिन ये तेरी लड़की तो। नहीं भी आ गया मरा। आदाब नहीं भी। क्या बात है, आज सब्जियों के थैले वो बड़े भारी भारी लग रहे हैं। कहो तो उठा ले, हम तो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ओए चाचा खामखा, क्या किसी ने मांगी क्या मदद? या ऐवे ही? ऐवे ही ठीक है, हैं? पर अदरवाइज बस ना भाई, खतरी के होते हुए ना मोहल्ले की औरतें परेशान हो ना 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 ना, ओ भाई ये नहीं हो सकता। ओ भाई अदरवाइज मत लेना, माता रानी का भक्त हूँ, ये ना वो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा जी। ओ जा भाई करतार, तू जाके बबीता जी का थैला लेना। हर्जी क्या है बबीता, जब ये लोग कुली बनना चाहते हैं तो बनने दे, वैसे भी सामान थोड़ा भारी तो है। हाँ जी लो खत्री से। नहीं नहीं मेरा सामान उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना सामान खुद उठा सकती हूँ। अरे लेकिन बबीता जी। अरे कहा ना, सुनाई नहीं देता क्या एक बार? चल बे पढ़ आ जाओ भाई, कुलियों आ जाओ। मिनी इन लोगों से कहना कि यहाँ से चले जाए, अजीब रूप से घूर के देख रहे हैं सामान को, मुझे अच्छा नहीं लगा है। खत्री अंकल, थैंक यू करतार अंकल, आपने नेम्बी की हेल्प की है ना, अब हो गया, आप जाइए। हाँ जी चले जाएंगे बेटा। बेटा अब वो देखो ना, मेरे लिए क्या ना, मोहल्ले के सब बच्चे ना मेरे बच्चों जैसे ही हैं जी। और बबीता जी वो एक ना गलत फहमी हो गई थी हमारे बीच में, वरना आप अदरवाइज मत लेना, खतरी की नियत ना जी बिल्कुल साफ है, एकदम कांच की जैसी। और वो जी स्टॉल ओनर, उसको भी ना जी मैंने ही कन्विंस किया था कि वो टिक्किया आपसे बनवाए, तो आपकी ना कामयाबी में थोड़ा सा क्रेडिट ना वो खतरी को मिलना चाहिए। नहीं करतार तू भी कुछ बोल। सच में खतरी सेठ बिल्कुल सच बोल रहे हैं जी। मैंने तो जी इनके मुंह से आप माँ बेटी की हमेशा तारीफ ही सुनी है। हो गया आपका झूठ का कारोबार, अब आप दोनों आदरणीय पूज्य मनुष्य प्रस्थान कीजिए प्लीज। चले जाएंगे जी बेटा जी, चले जाएंगे। बात तो सुनो। बोलो यार। खतरी है ना माता रानी का, ये देखो जी, अब देखो
वो बहुत बड़ा भक्त है जी, और लेडीज की बहुत इज्जत करता है खत्री। इसीलिए कहता हूँ आपको ना कभी भी किसी भी सेवा की जरूरत हो ना जी, तो खत्री हाजिर है, है? खत्री की ना मार्केट में अच्छी पकड़ है। आपको कभी भी कोई फंड वगैरह चाहिए हो ना जी, तो खत्री है, याद कीजिएगा। देखिए हमें कोई फंड नहीं चाहिए। तो बबीता जी आज ना सही, कभी आगे हो तो बोलिएगा ना, अभी ना कभी, समझे आप? बबीता जी ऐसे तुफर ना तोलिए, अभी ना सही पर आगे भी नहीं, अदरवाइज मत लेना, पर ना धंधे का उसूल है, कभी ना किसी को ना नहीं कहते। पर भाई धंधे में ना कोई कभी ना परमानेंट दुश्मन होता है और ना परमानेंट दोस्त होता है, क्या पता कब किसकी जरूरत पड़ जाए। आप ना आराम से सोचिए, मैंने आपको मेरा ऑफर दे दिया है जी। हाँ जी सोच लिया, अब आप जाइए प्लीज। अच्छा जी यू मे लीव। जी जी जय माता दी। अजीब लोग हैं। थैंक गॉड लवली बुआ ने हमें फंड्स दे दिए थे, ऐसे लोगों से फंड्स लेने होते तो मैं बिजनेस खोलती भी नहीं। मिनी वैसे भी ऐसे बेमान लोगों के पैसे लगे हो ना बिजनेस में तो वो बिजनेस फलता भी नहीं है। एक बात बताऊं नेक बख्त, सुनकर तुझे बुरा तो जरूर लगेगा लेकिन ऐसे बेईमान लोगों के ही बिजनेस फलते फूलते हैं। अरे हम जैसे ईमानदार तो एड़ियां चटकाते घूमते हैं दुनिया भर में, पता नहीं खुदा का कैसा इंसाफ है। वैसे जो भी कहो मैं खत्री की एक बात से तो इत्तेफाक रखती हूं कि धंधे में किसी को ना नहीं कहना चाहिए। अरे पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।